लोग देख सकते हैं, देखो बाबा साहब जी का घर है। अपने अंबेडकर लोगों के दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि हम जो भी हम सांस भी लेते हैं, हम खाना भी खाते हैं, उस बाबा साहब की बदौलत। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सरदार जी जर्नी अपने शहीद यूट्यूब चैनल पर। आज की जो जर्नी है, हम आज जा रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घर है, जो दादर ईस्ट हिंदू कॉलोनी में राजगुरु के नाम से जाना जाता है। और हम इस सरदार जी जर्नी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा और उन्होंने जो लोगों के लिए किया हुआ कार्य है वो पहुँचाने का कार्य हम इस चैनल के माध्यम से करते रहे और इस तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का जो बेल आइकन है वो बटन दबाना ना भूलिए। और अभी अपनी जर्नी स्टार्ट हुई न्यू मुंबई से और हम अभी जा रहे हैं राजगुरु। जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ आज पूरे दिन के लिए। आप मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ, तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के घर जो कि दादर ईस्ट में राजगुरु में करके नाम से है, वहाँ पर जाने से पहले वो घर बाबा साहब ने क्यों बनवाया था इसकी पार्श्वभूमि हमें पता चाहिए। जब बाबा साहब पहले पोरबेवाड़ी एक जगह चाल थी वहाँ पे रहते थे, तब बाबा साहब को शासकीय विधि महाविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी लगती है। और बाबा साहब जहाँ पे रहते थे वो घर बहुत छोटा था, चाल में था, और वहाँ पे बाबा साहब को किताबें रखने के लिए और जो बाबा साहब के अनुयायी थे वो जब मिलने आते थे तो जगह कम पड़ती थी। तब बाबा साहब ने 1930 और 1931 में दादर के ईस्ट हिंदू कॉलोनी में दो प्लॉट परचेज किए, एक प्लॉट नंबर 129 स्ट्रीट और एक प्लॉट नंबर 99। प्लॉट नंबर 129 में बाबा साहब ने जो राजगुरु घर है वो बनवाया और प्लॉट नंबर 99 में चार मीनार करके बिल्डिंग है वो उसको बनवाया। तो वो बनाने का रीज़न ये है कि बाबा साहब का सबसे ज़्यादा लगाव जो था जीवन में, जो प्रेम था, वो अपनी किताबों से था। तो वो किताबें रखने के लिए बाबा साहब को जगह चाहिए थी, इसके लिए बाबा साहब ने ये राजगुरु घर बनवाया था। हम सभी को पता ही है कि उस टाइम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो आर्थिक परिस्थिति वो बहुत नाजुक थी और इसी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चार बच्चों की समय पे दवाई ना मिलने के कारण मौत तक हो चुकी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के शुरुआत से और जीवन के अंत तक पूरा जीवन संघर्ष ही किया है और बाबा साहब का जो जीवन का संघर्ष है यही हम लोगों के लिए एक संदेश है। यह हम अभी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घर है इसका नाम राजगुरु है वहाँ पे एंट्रेंस कर रहे हैं। देखिए अंदर शूटिंग का परमिशन नहीं मिला है लेकिन दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, ये घर है बाबा साहेब जी का, तीन मंजिला इमारत है। हमें अंदर शूटिंग का परमिशन नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन अंदर जाके हम बाबा साहब को अभिवादन करके जो उन्होंने यूज़ की हुई थी वस्तुएं वो देखकर बहुत मन भावुक हुआ है। देखिए आप घर बाबा साहब जी का। और हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दादर ईस्ट में हिंदू कॉलोनी में जो प्लॉट नंबर 129 जो राजगुरु घर जिसका नाम है आप देख सकते हो वहाँ पे हम आए। अंदर जो लीगली
परमिशन रहता है वीडियो शूट करने का, वो हमें नहीं मिला है। बट अंदर जाके हम अभिवादन करके आए बाबा साहब जी को, और जो वस्तु है बाबा साहब ने वो टाइम में यूज़ की थी, जो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, वो हमने अंदर जाके देखी है। अंदर नीचे सबसे पहले हम जाते तो हमें सबसे पहले माता रमाई की एक फ़ोटो दिखती है। उसके आजू बाजू में मतलब जो एरिया है वो रूम में जो बाबा साहब जी ने जो बर्तन इस्तेमाल किए थे खाना खाने के लिए, जो माता रमाई ने जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो सब बर्तन रखे। उसके बाजू वाले रूम में बाबा साहब की जो स्टडी रूम थे, वो स्टडी रूम ने जिस रूम ने बाबा साहब में स्टडी किया है वहाँ पे बाबा साहब जी का चश्मा, एक टेबल पे भारतीय संविधान की किताब रखी हुई है, और उसी किताब के ऊपर बाबा साहब ने जो चश्मा यूज़ किया था वो रखा है। और उसके बाजू में टेबल चेयर जो बाबा साहब यूज़ करते थे, और जो उनका उम्र ज़्यादा हुआ था जब चलने में उनको दिक्कत हो रही थी, जो हाथ काटी रहता है वो अलग अलग टाइप के वो उस रूम में हाथ काटी रखी हुई है। उसके बाजू वाले रूम में हम अगर आते तो वहाँ पे बाबा साहब जी की प्रतिमा रखी है, और बाबा साहब जी की अस्थियाँ भी उसी प्रतिमा के ऊपर रखी हुई है। लोग वहाँ पर आके अभिवादन करते हैं। और उसी के बाजू में जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हुआ था, उसके बाद बाबा साहब को विमान से मुंबई लाया गया, और 7 दिसंबर 1956 को इसी घर राजगुरु में बाबा साहब को जो पलंग पे रखा था, जो बेड था, वो बेड भी आपको उसी रूम में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाजू वाले रूम में हम अगर आते हैं, ये रूम है हमें दिख रहा है, यहाँ पे बंद है अभी गेट के अंदर, यहाँ पे तथागत बुद्ध जी की एक मूर्ति है। बाबा साहब की गाड़ी जब बाबा साहब बाहर से आते थे, गाड़ी यहाँ पे पार्किंग होके बाबा साहब यहाँ से अंदर जाते थे सीधा ऊपर अभिवादन करके तथागत बुद्ध को। तो ये बाबा साहब का जो घर है ये 3 मंजिला इमारत है पूरी। नीचे का जो फ्लोर है उसमें बाबा साहब की जो यादें, मतलब जो बाबा साहब ने वस्तु यूज़ की हुए और बाबा साहब की अस्थि, ये सब रखी हुई है। और ऊपर की जो 2 मंजिला है वहाँ पे बाबा साहब जी के जो नातू है, जो मतलब भीमराव जी अम्बेडकर सर, प्रकाश राज अम्बेडकर सर और आनंद राज अम्बेडकर सर, ये सब लोग उनके फैमिली यहाँ पे रहती है। हम लोग देख सकते हैं, देखो बाबा साहब जी का घर है। यही घर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है राजगृह। इसी घर में बाबा साहब ने लगभग अपने जीवन के 22 साल यहाँ पे बिताए। और इसी घर में जो बाबा साहब जी ने मतलब जो येवला में 1935 में धर्मांतर की घोषणा की थी, उसका जो भाषण था, स्पीच था, वो इसी राजगृह में लिखा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखने का कार्य किया है, अभी वो रूम हम दिखा नहीं सकते आपको, वो यही मतलब इसी घर में रहकर बाबा साहब जी ने वो संविधान लिखने का काम, कुछ काम यहाँ किया है, कुछ काम दिल्ली में मतलब किया है, क्योंकि बाबा साहब वहाँ पे दिल्ली में भी रहते थे और राजगुरु में भी रहते थे, बाबा साहब का आना जाना रहता था। और इस राजगुरु में जो किताबें थी बाबा साहब की, लगभग 50,000 किताबें, वो बाद में बाबा साहब जी ने जो मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज का ओपनिंग किया वहाँ पर कुछ किताबें दिए, जो औरंगाबाद में मिलिन कॉलेज की स्थापना की बाबा साहब ने वहाँ पर कुछ किताबें दी बाबा साहब। जैसे हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के और तथागत बुद्ध जी के विचार पहुंचाने का कार्य करते, तो जैसे हमने राजगुरु में जाके बाबा साहब को अभिवादन किया है, ये सर भी आए हैं। सर आपका नाम क्या है? जय भीम, मैं दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो पालघर जिला शाखा का, मैं नायगांव शहर शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं हमारे साथियों के साथ यहाँ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो राजगृह जो निवास है, जो कि वो अपने मुंबई के हिंदू कॉलोनी में बना है, तो हम यहाँ पर आके एक हम लोग को एक अलग सा फील होता है कि वो ज़माने में जब 1956 के पहले हमारा जो उस वक्त जो स्थिति थी, हमको यहाँ पे रोड पे चलने की तक आज़ादी नहीं थी, पर हम ऐसा फील करते हैं अभी कि हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणा के वजह से
हमको ये आज दिन देखने को मिला है कि हम देखो ट्रेन में सभी लोगों के झुंड में हम सब एक जैसा एक प्रवाह में हम इस बाबा साहब अम्बेडकर का जो आलीशान जो हमारा राजगुरु है, हमारे दलितों के राजा, हमारे पूरा भारत भूमि के बहुजनों के मसीहा, उन्होंने इतना आलीशान राजगृह बनाया है। हम अंदर जाके अभी देख के आए तो हमको इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई। देखिए मैं यहाँ मेरे ग्रुप के साथ में मैं पहली बार इस राजगृह के अंदर मैं एंट्री किया है और वो अंदर का नज़ारा देख के बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिल्ली से लाया हुआ पार्थिव का जो बेड हो, जो उनकी पुरानी जो बर्तन है, जो पीतल की बर्तन है और उनका स्टडी रूम है, वो देख के हमको इतना महसूस हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम बहुजनों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ कितना बाबा साहब ने दिन रात एक करके कार्य किया और हमको इस राह पर लाके छोड़ा है। तो ये सब देख के हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया और इसके आगे मैं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं एक कहना चाहता हूँ। तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जान कुर्बान किया हम सब के लिए और बाबा साहब ने हमको यहाँ पे सर ढक के रहने का हमको खड़ा कर दिया काबिल किया। तो हर एक को ऐसा सोचना चाहिए कि बाबा साहब का जो कार्य है वो आगे हमने हमारे माध्यम से बढ़ाना चाहिए। आज हम हमारे लोगों की, हमारे समाज के SC ST OBC लोगों की, खास करके मैं ये करता हूँ कि वो अपने अपने इसमें मशगूल हो गए, पैसा आ गया बाबा साहब की वजह से, मगर घरों के बाहर निकलते नहीं, बाबा साहब का स्मरण करते नहीं। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक अपने अम्बेडकराइन लोगों के दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि हम जो भी सांस भी लेते हैं, हम खाना भी खाते हैं, उस बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब का है, मतलब बाबा साहब की बदौलत है। तो हम यहाँ से दादर चैत्य भूमि में आके बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह जो है वहाँ आके हमने प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम आगे के लाइफ में हमारे बच्चों, बीवी, हमारे सगे वाले, उनके दिमाग में बाबा साहब की सोच डालना ये काफी बाबा साहब के विचार बच्चों तक पहुंचाना है। मतलब सर का कहना है कि भारत के पूरे जितने भी लोग हैं, भारत के या पूरे विदेश के, उन तक लोगों तक बाबा साहब का कार्य और उनके विचार पहुंचने चाहिए, बराबर। और सर को अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, ये पूरे मतलब उनके फ्रेंड सर्कल के साथ में आए, तो आप यहाँ से जा रहे हो, तो यहाँ से जो राजगुरु है बाबा साहब का, यहाँ से आप क्या संदेश लेके जा रहे हो और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, बोलिए सर। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही हम आगाह करना चाहते हैं कि देखिए भाई, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। यहाँ की मनोवादी विकृति जो है हमको घड़ी घड़ी पल पल में हमको टारगेट करने का प्रयास कर रही है। हमको ये तय करना है कि हम गाफिल नींद में नहीं रहना चाहिए, हम सोने का नाटक नहीं करना चाहिए, हमने जागते रहना चाहिए और आगे का जो अम्बेडकराइन मोमेंट, हर एक अम्बेडकराइन लोगों का एक उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हमने सक्षम रहना चाहिए, हमने जागरूक रह के बाबा साहब की मोमेंट को आगे बढ़ाना है और हमने सोने का नाटक करके बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये मैं सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। जय बाबा साहेब अम्बेडकर का जय हो। बाबा साहेब अम्बेडकर का जय हो। ये जो राजगुरु घर आपको दिख रहा है, ये बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से डिजाइन करके बनवाया था और बाबा साहब ने इस घर का कार्य 1931 में स्टार्ट किया था और 1934 में जो स्टार्टअप ईयर रहता है तभी बाबा साहब पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे रहने के लिए आई थे। तभी माता रमाई को जब उन्होंने घर दिखाया तब माता रमाई बोली, ये घर नहीं है, किताबें रखने के लिए अभी तक जो बना है सबसे बड़ा वो ग्रंथालय मतलब जो है। लगभग बाबा साहब ने ये घर इस डिज़ाइन से बनवाया है कि उनको जो लगाव था किताबों से, वो 50,000 लगभग किताबें इस घर में रखने के हिसाब से बाबा साहब ने घर बनवाया था। बाकी के लोग जो इसे हम लोग है, हम लोग हमें रहने के लिए घर बनाते हैं अपने डिज़ाइन से, लेकिन बाबा साहब ने लगभग 90 साल पहले जो घर बनाया था राजगुरु, वो किताबें रखने के लिए बाबा साहब ने घर बनवाया था। और बाबा साहब बड़े दूरदृष्टि के इंसान थे। आज भी जो चीज़ें हमने अंदर देखी है सब चीज़ें वैसे की वैसी है। जो डोर का जो लकड़ा हमें दिख रहा है वो बाबा साहब ने वो समय में वो बर्मा टिक का लकड़ा है वो बाहर देश से मंगाया था। अपने साथ में जो शिंदे साहब है उन्होंने भी बाबा साहब के राजगुरु को फर्स्ट टाइम ही विजिट दिए और वो भी बड़े भावुक हुए। मतलब कुछ कहना चाहेंगे वो भी इस बाबा साहब के घर के बारे में? सर कुछ बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके?
सर्वप्रथम विजय सरदार यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून मला जी बोलायची त्यांनी संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। मित्रांनो, आज प्रथमच मी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजगृहाला भेट दिलेली आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच ठिकाणी याच राजगृहामधून भारताचं महान असं संविधान लिहिण्याचं काम केलं आणि दलितांच्या उद्धाराचं काम केलेलं आहे। त्यांनी ज्या वापरात असलेल्या त्यांच्या ज्या वस्तू वगैरे आहेत त्या बघून धन्य झालो आणि आज प्रथम भेट देऊन मी या प्रसंगाला या ठिकाणाहून काही प्रेरणा घेऊन जाण्यासारखी आज परिस्थिती या ठिकाणी आम्हा दलित बांधवांच्या माध्यमातून मी सर्वांना देऊ इच्छितो, प्रेरणा घ्या आणि आदर्श घ्या। ठीक है, मतलब सर यहाँ से बाबा साहब के जो विचार है वो लोगों तक पहुँचाने का प्रेरित, खुद वो प्रेरित हुए हैं और वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करने वाले। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में जल्द ही आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो फिर से एक बार बाबा साहब जी का घर।